अंधेरा इतना नहीं है कि कुछ दिखाई न दे, सुकूत ऐसा नहीं है, सुकूत ऐसा नहीं है कि कुछ सुनाई न दे। जो सुनना चाहो अंधेरे भी बोल उठेंगे, न सुनना चाहो तो दिल की सदा सुनाई न दे। लेकिन एक शायर है कि जो दिल की सदा सुनने का काम करता है, वो शायर अपनी सरगोशियाँ भी सुनता है और आपका किस्सा भी सुनता है और उसको खूबसूरत गज़ल बनाता है। मैं इस तमहीद के साथ मोहतरम वाजिद मेरठी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिनकी हैसियत मेज़बान के इस हवाले से भी है कि वो नायब कन्वीनर हैं आज के इस मुशायरे के, और मेरठ का नाम उन्होंने दूर दराज तक पहुँचाया है। तो आइए इस्तकबाल कीजिए जनाब वाजिद मेरठी साहब का कि वो तशरीफ लाएँ, जो बड़ी मोहब्बतों के साथ इस मुशायरे में शामिल हैं, मेज़बानी कर रहे हैं। जनाब वाजिद मेरठी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, देखिए थकान काफ़ी है मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ 5-7 मिनट भी आपके बीच रहूँगा, कुछ अच्छा सुना के जा सकूँ, क्योंकि फहरिस्त काफ़ी तवील है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ और आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हमारे मोहतरम शहर काजी साहब तशरीफ़ लिया हैं, काजी ज़ैनुल साजिदीन साहब, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और तमाम शोरा इकराम का मैं अपने मेरठ शहर में इस्तकबाल करता हूँ और अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त, यहाँ से शुरू, जहाँ से बात ख़त्म हुई है, दानिश गज़ल छोड़ के गई हैं, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और आप सभी से जुड़ता हूँ। इरशाद। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है। देखिए कोई भी शायर हो या नेता हो या कोई भी शख्स हो, वो फर्श से अर्श तक का सफ़र जब ही तय करता है जब लोगों का प्यार उसके साथ होता है। वहीं से मैं शेर उठाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है। इस मुल्क की एक तस्वीर बनाता हूँ और चौथे मिसरे में वो तस्वीर मुकम्मल, अगर आप तक लगे कि हाँ यही तस्वीर इस मुल्क की होनी चाहिए तो आपका प्यार मुझ तक आना चाहिए। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है। तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, इन्हीं रंगों के मिलने से तो है हिंदुस्तान बनता है, इन्हीं रंगों के मिलने से। क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बन। यहाँ से मुशायरा आप बना दीजिए और मुशायरे का एक आगाज़ इतना खूबसूरत हुआ है। एक बार हमारे सारे शोरा इकराम के लिए आप एक बार उनका इस्तकबाल अपने शहर मेरठ में ताली बजा कर करिए। इन्हीं रंगों, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बन। मैं नौजवानों को जोड़ता हूँ। किसी से इधर आता हूँ मैं जब भी, कभी ना कभी किसी से मोहब्बत की हो तो मेरा शेर अपने साथ लेके जाइएगा। इधर आता हूँ मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूँ मैं तब भी तुम्हारी याद आती है। इधर आता हूँ मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूँ मैं तब भी तुम्हारी याद आती है। जमाना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे लेकिन, जमाना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे लेकिन, न जाने क्यों मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों मुझे अब भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी याद, क्या कहनी है भाई, अब
भी तुम्हारी याद आती है। बिना उसकी इजाजत के फलक ये झुक नहीं सकता, किसी से कारवां अब ये हमारा रुक नहीं सकता, किसी से कारवां अब ये हमारा रुक नहीं सकता। बिना उसकी इजाजत के फलक ये झुक नहीं सकता, किसी से कारवां अब ये हमारा रुक नहीं सकता। कभी तारीख दुनिया की जरा पढ़ कर के तुम देखो, हमारा सर कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता, हमारा सर कभी क्या कहने हैं भाई, बाप 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 नहीं सकता, हमारा सर कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। किसी से मुंह न तुम मोड़ो यही इस्लाम कहता है, किसी का दिल न तुम तोड़ो यही इस्लाम कहता है, किसी से मुंह न तुम मोड़ो यही इस्लाम कहता है, किसी का दिल न तुम तोड़ो यही इस्लाम कहता है। सुखों में भी दुखों में भी रहो साबित कदम वाजिद, कभी हिम्मत न तुम छोड़ो यही इस्लाम कहता है, कभी हिम्मत न तुम छोड़ो यही हिम्मत न तुम छोड़ो यही इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ल के बस एक गज़ल के तीन चार शेर और सुनाऊंगा, फिर अपना जहमत तमाम गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ इसीलिए कि वक्त बहुत हो चुका है। मुझे तेरी मोहब्बत ने वाह पागल ही बना डाला, मुझे तेरी मोहब्बत ने पागल ही बना डाला, मुझे तेरी मोहब्बत ने पागल ही बना डाला, तीर इतने लगे दिल पर घायल ही बना डाला, तीर इतने लगे दिल पर घायल ही बना डाला। और अगला शेर हाजिर करता हूँ क्योंकि थकान काफ़ी है, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, मैं बस एक शेर और पढ़ता हूँ फिर अपनी जहमत तमाम सुनिएगा। बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत ने पागल ही बना डाला, जुल्फें तो हटाओ तुम, जुल्फें तो हटाओ तुम इस चांद से चेहरे से, जुल्फें तो हटाओ तुम इस चांद से चेहरे से, जुल्फे तो हटाओ तुम इस चांद से चेहरे से, जुल्फों को भी तुमने तो आंचल ही बना डाला, जुल्फों को भी तुमने तो आंचल ही बना डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश।